जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको त्रिभुजों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के दो लेक्चर डिस्कस किए। अब मैं आपको आज तीसरा लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूं। आज ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और हर क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्टकट समझाऊंगा। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। आइए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज एबीसी में यदि ए बराबर 5, बी बराबर 7 तथा साइन ए का मान 3/4 हो, तब इस प्रकार के कितने त्रिभुज संभव होंगे। तो आपसे कहा गया, यदि किसी त्रिभुज में ए भुजा और बी भुजा की ये नाप दे रहे हैं, ये पैमाइश दे रहे हैं और साइन ए का मान 3/4 है, तो इस प्रकार के कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। आइए पहले बच्चों देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने साइन रूल पढ़ के रखा है। साइन रूल होता है साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू आगे साइन सी अपॉन सी होता है। ना यहां पर साइन सी का जिक्र है ना स्मॉल सी का, इसलिए मैं उसको नहीं लिखता हूं। आइए बच्चों देखते हैं, साइन ए की जगह पर आपने लिखा 3/4 अपॉन में ए की जगह पर है बच्चों 5 बराबर साइन बी आपको नहीं पता है, अपॉन में चलते हैं बी की जगह पर लिखा हुआ है 7। अगर आप इस साइन बी का मान निकालेंगे तो ये साइन बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका 7 का यहां पर गुणा होगा। 3/4 गुणे ये बेटा 5 नीचे होगा और ये 7 का ऊपर गुणा होगा, तो ये बच्चों आपको मिल रहा है 21/20। यानी कि जो साइन बी का मान आया है वो 21/20 है। अगर हमने इसका डिवाइड करा दिया बेटा, 21/20 का डिवाइड कराएंगे तो 1. समथिंग कुछ आएगा। मान लीजिए 1. ये 2 मिल रहा है, तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो भी मान है ये 1 से ज्यादा है। क्या आपको ये जानकारी है प्यारे बच्चों कि साइन का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका यह मतलब है कि यह संभव नहीं है, अर्थात ऐसे कितने त्रिभुज होंगे, ऐसा कोई भी त्रिभुज नहीं बनने वाला बेटा। इसका डी ऑप्शन सही है, 0। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो इसी पैटर्न पर बेस्ड है, वो आप स्वयं लगाइएगा। आइए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहला वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, वीडियो को रोक लीजिए, इस दूसरे क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं 5 सेकंड के बाद। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन को देखा, हमने साइन रूल अप्लाई किया था, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी। तो डियर स्टूडेंट, साइन ए की वैल्यू मैंने 5/13 है वो लिख दी। यहां पर अपॉन में ए लिखा हुआ है, ये वैल्यू है 3 इज इक्वल टू साइन बी, अपॉन में बेटा यहां पर बी लिखा है, इसकी वैल्यू 8 है। 8 का गुणा 5 में होगा बेटा, यहां पर 8 × 5 = 40 होगा और यहां पर हो गया 13 × 3 = 39। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका मान भी 1 से ज्यादा आ रहा है। इसका यह मतलब है कि साइन का कभी भी मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों यह संभव नहीं होगा, यानी कि ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं बनने वाला। इसका आंसर हो गया 0, यानी कि हमारा ए वाला विकल्प सही है। नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट भी सिखा दूंगा, जिससे आपको देखते ही इसका आपको आंसर पता चल जाएगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इसे। प्यारे बच्चों, यहां पर बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, यहां पर बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। मैंने इसके फॉर्मूले को खोला तो मिला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और हमारे पास बगल में लिखा हुआ था कॉस ए कॉस स्क्वायर ए बाई 2। यहां पर भी बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जैसे यहां माइनस था तो माइनस लगाया, यहां पर प्लस होगा तो फिर प्लस लगाया जाएगा। तो फॉर्मूला खोला तो क्या हुआ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ था साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो प्यारे बच्चों, इसका गुणा आप बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में करेंगे, इसका गुणा आप यहां पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब आपने इसका गुणा इसमें किया और आपने इसका गुणा इसमें किया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों में आपको मिलेगा। यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने कॉमन किया तो एक ब्रैकेट में मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 2। ठीक बच्चों, अब आप देखिए, इसका गुणा हमने यहां पर माइनस के 2bc में किया,
फिर इसका गुणा यहाँ के प्लस के 2bc में किया, तो आप देख रहे हैं माइनस का 2bc हमने बाहर निकाल लेना है बेटा, तो यहाँ पर मिलेगा चूंकि माइनस तो मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पर हो गया cos स्क्वायर a बाई 2, और यहाँ पर चूंकि ये प्लस था लेकिन मैंने माइनस तो कॉमन किया है तो माइनस कॉमन करने पर अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस वाला हो गया माइनस का, अब 2bc तो बाहर ले लिया, बचा क्या है साइन स्क्वायर a बाई 2। आई होप सभी बच्चों को यहां तक आ रहा है। प्यारे बच्चों b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इसकी वैल्यू हो गई 1, cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर a बाई 2 ये 1 हो गया, माइनस का 2bc। देखिए डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यू है cos 2a का फॉर्मूला है, तो cos 2a a की जगह पर यहां a बाई 2 का प्रयोग किया गया है, 2 से 2 कट गया, ये हुआ cos a। cos a का बेटा हम फॉर्मूला जानते हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, तो 2bc से 2bc कैंसिल, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस अंदर जब जाता है तो अंदर के सारे साइन बदल जाते हैं, ये प्लस का जो बी स्क्वायर है ये माइनस का हुआ, ये प्लस का सी स्क्वायर ये माइनस का हुआ, और ये माइनस वाला ए स्क्वायर प्लस का हुआ। देखिए बच्चों बी स्क्वायर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, ये हमारा बच्चों यहां पर बी वाला विकल्प सही है। हम ऐसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी बच्चों को ये आ गया होगा, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसका शॉर्टकट डिस्कस करूंगा, तो मैं क्या करता हूं आपको इसका शॉर्टकट समझा देता हूं। तो प्यारे बच्चों मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, फिर आप शॉर्टकट देखिएगा, आपको अपना कलम उठाना पड़ेगा ही नहीं, देख करके उत्तर निकलेगा। आइए देखते हैं, तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको भी पूरे तरीके सॉल्व करके दिखाया, अब मैं आपको इसका शॉर्टकट समझाऊंगा जिसमें बिना कलम उठाए आपको उत्तर मिल जाएगा, मैं आपको तीसरा समझाऊंगा, चौथा आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। यहां पर डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, कभी भी आपको ये पहली बात तो ये एकदम सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी कोई इधर उधर की बात नहीं है, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखिए प्यारे बच्चों यहां पर लिखा हुआ है b माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहां पर लिखा है b प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां पर a b और c इन तीनों में किसका इस्तेमाल किया गया है, b का किया गया है और c का किया गया है, जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया उसी का स्क्वायर लगा दीजिएगा, यही आपको उत्तर मिलने वाला है, यानी कि हमारा बी विकल्प सही है। आइए बच्चों अब इसको भी देख लेते हैं, आपने देखा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मिला है, तो आपको बेटा a और b मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, c नहीं मिल रहा है, और जो नहीं मिल रहा उसका क्या लगाना था, स्क्वायर, यानी कि इसका जवाब हो गया c वाला विकल्प है c स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको दिया था फिलहाल आपसे पहले तो मैंने ही सॉल्व कर दिया, चलिए आगे बढ़ते बेटा। आइए मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, मैंने इस क्वेश्चन में दो छोटे छोटे क्वेश्चन को एक साथ रख दिया है, आइए इसको समझते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 6 आपको दूंगा करने के लिए, कुछ समय भी दूंगा, उसके बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं क्रमशः 13, 12 तथा 5 है, इकाई आप लगा लीजिए सेंटीमीटर मीटर डजंट मैटर, तो इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, पहला प्रश्न आपसे कह रहे हैं परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, परिवृत्त की त्रिज्या तथा अंतावृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ इन सर्कल पूछा गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहां पर आपको यह देखना है कि इसकी जो भुजाएं हैं वो क्या हैं, तो भुजाएं 13, 12 और 5 हैं, ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, क्योंकि आपने सबसे बड़ी भुजा 13 को देखा और 13 का वर्ग किया तो यह हुआ 169, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर है या नहीं है, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का 25 जोड़ेंगे तो 169 आएगा, यानी कि सबसे बड़ी वाली जो भुजा उसका वर्ग और ये दोनों भुजाओं के वर्गों का योग आपस में बराबर आ रहा है, यह त्रिभुज हो गया बेटा समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज मिल गया तो समझ लीजिए आपकी एक तरीके से लॉटरी लग गई, ये क्वेश्चन आपका बेटा सेकंडों में सॉल्व होगा। आइए बच्चों देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये प्यारे बच्चों हमने यहां पर क्या काम किया, देखिएगा हम सबसे पहले तो देखते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, एक हमने समकोण त्रिभुज का निर्माण किया, मैं आपको समझा दे रहा हूं, हालांकि बिना ये डिस्क्राइब किए बेटा मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता सकता हूं और आपको सिखा भी सकता हूं, लेकिन आप पहले इसको अच्छे से देख लीजिए कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने इसको नाम दे दिया प्यारे बच्चों ए बी और सी, जैसे यहां आपसे कहा गया था त्रिभुज ए बी सी, मैंने ए बी सी नाम दिया। अब देखिएगा सबसे बड़ी वाली जो भुजा है वो बेटा है 13 और वो कर्ण होती है,
बाकी दोनों भुजाएं, एक हमारी भुजा आधार है और एक लंब है। किसी को ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 5 आधार ले लिया और लंब ले लिया 12। क्या सभी बच्चों को यहां तक बात समझ में आ गई? ये 5 आप लंब ले सकते हैं और 12 को आप आधार भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, परिवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी गई है। परिवृत्त की त्रिज्या, प्यारे बच्चों देखिएगा इसका क्या शॉर्टकट है। ये जो परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल है, परिवृत्त की त्रिज्या, प्यारे बच्चों इसका शॉर्टकट देखिएगा, इसका शॉर्टकट है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण बटे दो। सिंपल सा रूल, कुछ भी नहीं करना, कर्ण बटे दो। कर्ण बेटा हाइपोटेनियस है 13/2, तो कितना जवाब हो गया? 13/2 हमारा जवाब हो गया। प्यारे बच्चों 13/2 तो हमें दो जगह मिल रहा है, यानी कि हमारा ये बात तो तय है कि सी और डी हमारे दो विकल्प नहीं हो सकते। अब हमारा विकल्प ए सही है या बी सही है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? अंतर्वृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ इन सर्कल भी निकालना होगा। आइए देखते हैं रेडियस ऑफ इन सर्कल आप कितने शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं, कितने कम समय में। देखिए बच्चों, आपने अंतर्वृत्त की त्रिज्या का शॉर्टकट देखिएगा, ये त्रिज्या होती है बेटा लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे दो। इसको बेटा लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को कहते हैं बेस और कर्ण को कहते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए देख लेते हैं बेटा, यहां पर 12/5 और माइनस का हो गया 13/2। बेटा जी 12, 5, 17 में 13 चले गए, 17 में 13 गए 4 और 2 का भाग चला जाएगा, कितना उत्तर होगा? 2 होगा। 1 और 2 बेटा मैंने क्या निकाला है उत्तर? 2 निकाला है, 13/2 और 2, ये हमारे पास जवाब आ गया। प्यारे बच्चों मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को देने जा रहा हूं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और जल्दी से अपनी कॉपी में तैयार हो जाइए अपनी कॉपी कलम लेकर के अगले क्वेश्चन करने के लिए। प्यारे बच्चों हम ऐसी उम्मीद पूरी कर रहे हैं कि जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया है आप बिना कलम उठाए इसका जवाब देंगे। प्यारे बच्चों आपका समय शुरू होता है अब, आप जल्दी से इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे सॉल्व करके दिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हम ऐसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप में से अधिकांश बच्चों ने इसके जवाब निकाल लिए होंगे सही सही। अब आप अपने आंसर का मिलान हमारे आंसर के साथ कीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बेटा हमने यहां पर देखा कि जो हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं हैं वो 18, 24 और 30 हैं। हमने क्या करा बेटा, आपसे कहा था कि सबसे बड़ी वाली भुजा को आपने स्क्वायर करना है और बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों को योग करके देखना है क्या वो 900 के बराबर आ रहा है। 18 का स्क्वायर होता है 324, आप प्लस करेंगे 24 के स्क्वायर को, 24 का स्क्वायर बेटा होता है 576। चलिए आप इसको जोड़ देते हैं, 6, 4, 10, 0 हासिल 1, 7, 2, 9 और 1, 10, 0 हासिल 1 हो गया, 5, 3, 8 और 1, 9 बेटा ये 900 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये समकोण त्रिभुज है। अब आपको अगर याद होगा तो मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बेटा कराया था कि परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर जिसे कहते हैं और अंतर्वृत्त की त्रिज्या इसको स्मॉल आर कहते हैं, ये कैपिटल आर है। तो बेटा ये आर का क्या मान बताया था? सबसे बड़ी वाली भुजा, इसी को तो कर्ण कहते हैं हाइपोटेनियस, उसका हाफ यानी कि कितना हो गया? 15। तो 15 हमें देखना है बेटा, यानी कि ये और सी सॉरी बी और डी हमारे विकल्प नहीं हो सकते। 15, 9 और 15, 6 में से कोई एक विकल्प सही है, यानी कि ए और सी में से कोई एक जवाब होगा। अब दूसरी बात, ये स्मॉल आर यानी कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ इन सर्कल, इसका कहीं क्या तरीका सिखाया था? इसका तरीका सिखाया था बेटा, मैंने कहा था कि परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ करके हाइपोटेनियस से घटा देना है, ठीक है, हाइपोटेनियस को घटा देना है बेटा यहां पर। अब बेटा आपको अंतर्वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ इन सर्कल निकालना है आर, इसका क्या तरीका सिखाया था? इसका तरीका था बेटा लंब और आधार को जोड़ लेना है और इसमें कर्ण को माइनस करके 2 का डिवाइड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये बेटा हो गया 18 और 24 को जोड़ देंगे, 8, 4, 12, 2 हासिल, यानी कि ये हुआ 42 माइनस कर्ण यहां पर हाइपोटेनियस है 30 और 2 का भाग जाएगा बेटा, 42 में 30 आपने घटा दिया तो 12 और 2 का भाग दे देंगे तो बच्चों 6 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो गया 15.6। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सी वाला विकल्प सही है, ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी सवाल अच्छे से आ गया होगा। ठीक प्यारे बच्चों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी में यदि कॉस ए बटे ए बराबर कॉस बी बटे बी बराबर कॉस सी बटे सी हो तथा ए बराबर 2 सेंटीमीटर, ये ए मतलब त्रिभुज की भुजा है, तो कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। प्यारे बच्चों, ये दो क्वेश्चन को एक साथ मैंने मर्ज करके आपको ये क्वेश्चन दिया है, जिसे ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात ये एक क्वेश्चन मैं आपको ये यही समझा देता हूं, फिर दूसरे क्वेश्चन को इधर से यहां पर समझाना पड़ेगा। पहले प्यारे बच्चों एक बात समझ लीजिए, यदि किसी त्रिभुज में दिया जाए कॉस ए बटे ए बराबर कॉस बी बटे बी बराबर कॉस सी बटे सी, तो याद रखिएगा ये हमेशा इशारा करता है कि हमारा त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसे कहते हैं इंग्लिश में इक्विलेटरल। ये बेटा जी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि कॉस ए बटे ए बराबर कॉस बी बटे बी बराबर कॉस सी बटे सी दिया जाएगा तो ये जो त्रिभुज एबीसी कह रहे थे ये किस प्रकार का होगा, समबाहु होगा, इक्विलेटरल होगा। एक प्रश्न का हल हो गया। दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपको ए 2 सेंटीमीटर दे रहे हैं, ए का मतलब है भुजा, चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं बराबर हो गई, सभी भुजाएं बराबर हो गई तो दे तो ए रहे हैं लेकिन तीनों भुजाएं हो गई 2 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड मतलब भुजा का स्क्वायर, तो √3/4 और भुजा प्यारे बच्चों यहां 2 दे रहे हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे, √3/4 × 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो गया, ये कैंसिल 4 से 4, ये हो गया √3। चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो जब एरिया होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाता है। यहां पर बेटा आपने जो है 4 विकल्प देखे, ये हमारा डी वाला विकल्प सही हो गया। ठीक है बच्चों, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी बच्चों को हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इस पैटर्न पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। आप चाहे इंडिया का पेपर दें या एयरफोर्स का या नेवी का, बराबर रूप से हर एक में महत्वपूर्ण है। आप मेरे पहले के 2 लेक्चर्स भी देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा इस त्रिभुजों के गुण चैप्टर को समझने में। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ, यदि 2 sin C cos A = sin B लिखा हो किसी त्रिभुज में, उन्होंने कहा कि किसी त्रिभुज में यदि ऐसा है तो कह रहे हैं वो त्रिभुज किस प्रकार का होगा, समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल, विषमबाहु स्केलन और समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइए बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों आप मेरे पहले के लेक्चर देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, हालांकि कुछ बच्चों ने फर्स्ट ईयर इंटर में भी पढ़ रखा होगा, मैं उन्हीं फॉर्मूलों का यहां पर प्रयोग करने जा रहा हूं और आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखते हैं, यहां पर 2 लिख दिया, साइन सी की वैल्यू होती है बेटा सी के, कॉस ए का फॉर्मूला होता है B² + C² - A² / 2BC और आगे बढ़ते हैं बराबर लगा करके साइन बी, बेटा साइन बी बी की जगह हो गया, साइन बी की जगह हो गया बी के, के से के कैंसिल, 2 और C ये भी कैंसिल, ये बी का गुणा यहां पर हो जाएगा तो B² + C² - A² बराबर इस बी का गुणा इस बी के साथ हुआ तो B² हो गया, ये B² इधर B² जाएगा तो कट जाएगा, आपके पास बचा क्या C², ये A² आप इधर भेज देंगे। प्यारे बच्चों सी बराबर आपको मिल रहा है ए। किसी त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सामने के 2 कोण भी बराबर होंगे। हालांकि आपको अगर हम यहां 4 ऑप्शन की बात करें तो 2 भुजाएं बराबर होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्यारे बच्चों ये हमारा डी वाला विकल्प सही है, नोट कर लीजिए बच्चों। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए बच्चों वीडियो को रोक लीजिए और इसे 10-15 सेकंड के अंदर पहले आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, पहले आप प्रयास कर लीजिए फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि आपने इसका क्या आंसर निकाला है। देखिए ये लिखा हुआ है किसी त्रिभुज एबीसी में यदि साइन ए साइन बी बराबर ए बी बटे सी स्क्वायर लिखा है तो ये त्रिभुज किस प्रकार का है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर जानते हैं साइन ए और साइन बी के मान आप जानते हैं अच्छे से। आइए बच्चों इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों यहां पर हमने क्या काम किया, हमने यहां पर लिख दिया साइन ए और साइन बी जैसा हमारे सामने यहां लिखा हुआ था। अब हमने आपको यह बताया है बेटा और ए बी और सी इन तीनों की जगह पे आ रहे बच्चों हम जानते हैं ए बराबर के साइन ए बी बराबर के साइन बी सी बराबर के साइन सी, हम इसका इस्तेमाल यहां पर कर लेते हैं।
ए के प्लेस पे लिखा के साइन ए, बी के प्लेस पर लिखा के साइन बी, अपॉन में देखा सी का स्क्वायर यानी कि सी के प्लेस पे के साइन सी, लेकिन स्क्वायर के कारण ये हो गया के स्क्वायर और साइन स्क्वायर सी। ये के और ये के स्क्वायर से कैंसिल हो गए, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी कैंसिल हुआ। ये प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर सी आपने इधर भेज दिया, इधर क्या बचा, वन बचा। अगर आप यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट लगेगा, एक का वर्गमूल एक हो गया। प्यारे बच्चों ये वन वैल्यू साइन में होती है 90 में, तो बेटा साइन से साइन कट गया, ये कोण सी वाला जो आ रहा है ये कितना आ गया, 90 अंश आ गया। प्यारे बच्चों 90 अंश का मतलब है अगर कोई त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है तो ऐसा त्रिभुज कहलाता है समकोण त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर हम देखते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमें पहला वाला विकल्प ही मिल गया, हमारा यह त्रिभुज किस प्रकार का है, समकोण त्रिभुज है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप में से कितने बच्चों ने इसका सही जवाब निकाला था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है किसी त्रिभुज एबीसी में यदि बी साइन बी बराबर सी साइन सी हो तो वह त्रिभुज किस प्रकार का होगा। पहला विकल्प है समकोण राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा है समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीसरा है विकल्प समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस, चौथा है विषमबाहु यानी कि स्केलन ट्रायंगल। अब हमारे पास कंडीशन दे रहे हैं कि यदि बी साइन बी बराबर सी साइन सी लिखा हुआ है तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है बी, बेटा बगल में लिखा है साइन बी, साइन बी की जगह पर हम सूत्र जानते हैं बी के लिख सकते हैं, यहां पर सी था मैंने सी लिखा, साइन सी के प्लेस पर हम लिख सकते हैं सी के से के कैंसिल, ये हुआ बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। प्यारे बच्चों स्क्वायर यहां का स्क्वायर यहां वाले स्क्वायर से हट गया तो बी बराबर आ गया सी, यानी कि दो भुजाएं आपस में बराबर आ गई है। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो वह त्रिभुज होता है समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो प्यारे बच्चों हमारा इसका जवाब हो गया है सी वाला ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं क्रमशः एक्स वाई तथा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, वो तीनों भुजाएं आपको यहां दे रहे हैं, पहली एक्स दूसरी वाई और तीसरी अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है। आपसे कह रहे हैं त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, उसकी क्या मेजरमेंट है, उसकी क्या माप होगी। प्यारे बच्चों इसका भी शॉर्टकट है, आइए देख लेते हैं इसे कैसे करते हैं। आपको यहां पर बेटा x के प्लेस पर 1 और y के प्लेस पर 1 ये पुट कर देना होगा। तो प्यारे बच्चों देखते हैं क्या है, x के प्लेस पर 1 लिखा, y के प्लेस पर 1 लिखा, यहां पर हमने जब x और y के प्लेस पे 1-1 डाला तो यहां पर हमें मिल गया रूट 3। प्यारे बच्चों पहली वाली भुजा को हम कहेंगे ए, दूसरी को बी और तीसरी को कहेंगे सी, ये हमें तीनों भुजाएं पता चल गई हैं। आप रूट 3 की वैल्यू जानते हैं 1.732 होती है, लगभग ये होती है 1.732। तो आपने ये बात मुझे लगता है 6th-7th में शायद पहली बार आ जाती है कि यदि किसी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है, ध्यान रखना किसी त्रिभुज की कोई सबसे बड़ी भुजा अगर होगी तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने का कोण भी सबसे बड़ा होगा, अगर भुजा त्रिभुज की सबसे छोटी होगी तो उसके सामने वाला जो कोण है वो भी सबसे छोटा होगा। तो कहने का यह मतलब होता है कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण भी सबसे बड़ा और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण भी सबसे छोटा होता है। यहां पर हमसे कहा गया था कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा, तो सबसे बड़ा कोण जो होगा वो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला होगा, यहां पर सबसे बड़ी भुजा क्या आ गई, सी आ गई। अब हमें वो कोण निकालना है, तो डियर स्टूडेंट्स हम कॉस सी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन का 2ab। ठीक है चलिए ए बी के प्लेस पर 1-1 यानी कि 1-1 ये हो गया जाकर के 2 माइनस सी यानी रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 अपॉन में 2ab यानी कि 1 × 1। तो प्यारे बच्चों मिल रहा है 1/2 और आप जानते हैं कॉस में बेटा माइनस का 1/2 ये होता है कॉस में 120 की वैल्यू, कॉस से कॉस कट गया, जो कोण सी था वो आ गया 120 अंश। प्यारे बच्चों ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 2, 3 और √19 है तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन को देखा होगा, जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझाया था तो मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं हमें दी जाएंगी तो ध्यान रखना अगर सबसे बड़ा कोण कह रहे हैं तो सबसे बड़ा कोण वो होगा जो सबसे बड़ी भुजा के सामने का होगा। तो हमें देखना है सबसे बड़ी भुजा इसमें से कौन सी है। तो प्यारे बच्चों अब जैसे हमारे पास आया है 2, 3 और √19, ये हमारे सामने तीन भुजा है, तो ये 2 और 3 ये तो पूर्ण संख्या है, ये रूट पे है, 19 है अपरिमेय संख्या होती,
तो इसको कैसे लिखते हैं, आप इनको भी रूट में लिख दीजिए और आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सी भुजा सबसे बड़ी है। दो का बेटा रूट अगर लिखें तो ये चार होगा, ये हो गया नौ और ये हो गया रूट उन्नीस। अब आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है रूट के अंदर चार है, नौ है, उन्नीस, तो सबसे बड़ा रूट में क्या मान आ रहा है, ये है रूट का उन्नीस। तो सबसे बड़ी भुजा ये हो गई। अगर मैं इनको नाम देता हूं तो ए बी और सी, इसका यह मतलब हुआ कि सबसे बड़ी भुजा ये है सी, इसके सामने का कोण भी सबसे बड़ा होगा, यानी कि आप कॉस सी का फॉर्मूला लगा चुके हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों कॉस सी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। ए स्क्वायर यानी कि बेटा ये देखा आपने ए कितना था, ये दो आप कहें या ये कहें तो दो का स्क्वायर करेंगे चार होगा, प्लस बेटा ये बी रूट नौ कहें या तीन कहें इसका स्क्वायर हो गया नौ, माइनस सी, सी है रूट उन्नीस, रूट उन्नीस का स्क्वायर हो गया तो उन्नीस हुआ, टू ए बी, तो ए है दो और बी है तीन। यहां बेटा हमको मिल रहा है चार और नौ, ये हो गया जाकर के तेरह, तेरह और यहां पर हमारे पास है माइनस का उन्नीस, नौ चार तेरह, तेरह में उन्नीस गए तो छह आएंगे, तीन दुनी छह दुनी बारह, बेटा आपने इसको कैंसिल किया तो माइनस का एक बटे दो। आपने देखा था इससे पहले भी जो क्वेश्चन था उसमें कॉस 120 का मान ही माइनस का एक बटे दो था, कॉस से कॉस कैंसिल करेंगे, ये जो सी कोण आएगा ये होगा 120 अंश, यानी कि हमारा डी वाला विकल्प सही हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हमने 11 और 12 जैसा डिस्कस किया था ठीक उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बस उन दो प्रश्नों में आपसे त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण पूछा गया था और यहां पर त्रिभुज का सबसे छोटा कोण पूछा गया। तो जैसा देखते हैं यहां पर भुजा दे रहे हैं सात, दूसरी भुजा चार रूट तीन और तीसरी है रूट तेरह, ये त्रिभुज की तीन भुजाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको इसके पहले वाले सवालों में कॉन्सेप्ट क्या समझाया, सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण भी सबसे छोटा होगा, अगर सब भुजा सबसे बड़ी है तो उसके सामने का कोण भी सबसे बड़ा होगा। अब हमसे कह रहे हैं सबसे छोटा कोण, यानी कि हमें सबसे छोटी भुजा तलाशनी होगी। आइए देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। पहले भुजाएं हम यहां पर लिख लेते हैं, तो पहली भुजा हमें दे रहे हैं सात, दूसरी दे रहे हैं चार रूट तीन और तीसरी दे रहे हैं रूट तेरह। आइए बच्चों इसे देखते हैं, तो अगर हमने देखा तो सबसे छोटी सॉरी हमने देखा कि सात को अगर हमने वर्गमूल में स्क्वायर रूट में लिखना है तो 49 लिखेंगे, इसको लिखते हैं तो चार जब अंदर जाता है तो 16 और 16 तिहाई हो गया 48 और यहां पर तीसरी भुजा है रूट तेरह। तो जैसा कि आपने देखा यहां पर हमें सबसे छोटा कोण चाहिए था तो हम सबसे छोटी भुजा देखेंगे, रूट के अंदर 49 48 और 3 सबसे छोटी भुजा क्या हो गई है सी। तो प्यारे बच्चों ये है ए, ये है बी और ये है सी, ए बी सी हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं यहां पर हमें क्या करना है, हमने कॉस सी का बेटा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में टू ए बी। आइए देखते हैं ए स्क्वायर, तो ए बेटा अगर हम 49 कहें रूट के अंदर या सात कहें बात तो वही है, ये हो गया 49 प्लस ये हो गया बेटा जाकर के बी यानी कि चार रूट तीन का स्क्वायर तो ये हो गया 48 माइनस ये बेटा हमें मिलेगा रूट तेरह का स्क्वायर हो गया 13 टू ए बी सात गुणे चार रूट तीन। ठीक है बच्चों चलिए देखते हैं 49 और ये 48 49 48 को जोड़ते हैं ये बच्चों में मिलेगा 8 8 16 1 17 7 हासिल 1 ये हो गया 97 97 से हमें माइनस करना है 13 ये प्यारे बच्चों आएगा 7 और ये हो गया 84 चलिए 84 लिख देते हैं यहां पर 2 गुणे 7 गुणे 4 गुणे रूट 3। आइए इसको सॉल्व करते हैं 4 से कैंसिल करेंगे 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 सात से कैंसिल करेंगे 7 3 21 एक तीन में दो बार रूट तीन होते हैं तो एक बार रूट तीन कट गया रूट तीन और बटे दो बचा। प्यारे बच्चों ये हमें कॉस सी मिल रहा है, याद रखिएगा जब कॉस सी देखते हैं तो ये रूट तीन बटे दो है तो प्यारे बच्चों ये वैल्यू होती है कॉस 30 याद रखिएगा ये कॉस 30 की वैल्यू है। कॉस से कॉस खत्म, हमें क्या मिल गया सी का मान मिल गया बेटा 30 अंश, यानी कि सबसे छोटा कोण जो है वो होगा 30 अंश का, यानी कि हमारा बी वाला विकल्प सही है। आइए प्यारे बच्चों इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ किसी त्रिभुज एबीसी में यदि ए बराबर 16 बी बराबर 24 और सी बराबर 20 है तो कॉस बी बाई टू का मान क्या होगा, विकल्प है 3/4 1/4 1/2 और 2/3। तो डियर स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से कॉस बी बाई टू का फॉर्मूला लगाना है, उसमें आपको एस आएगा, एस होता है अर्ध परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग बटे दो, ठीक है यानी कि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे पहले हम s कैलकुलेट करते हैं, इसका सूत्र होता है बेटा a प्लस बी प्लस सी बाई टू। चलिए देखते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो 16 24 40 40 और 20 हो गया जाकर के 60 और 2 का भाग दे देंगे s की वैल्यू हो गई प्यारे बच्चों 30। चलिए cos b बाई टू का फॉर्मूला लगा लेते हैं,
ये बेटा सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर एस एस माइनस बी अपॉन में सी ए, बस सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा। एस की जगह हमने रख दिया 30, फिर क्या है 30 माइनस 24 यानी कि हो गया 6 बटे सी ए, तो सी की जगह 20 और ए की जगह 16। अच्छा 16 और 20, चलिए कोई बात नहीं इसको कर लेते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। फिर आपने देखा ये दो से कैंसिल होगा 6, तो ये हो गया 3। अब ये बेटा अंडर रूट के अंदर हमको मिल रहा है 3 त्रिका 9 और बटे में है 16, 9 का वर्गमूल हो गया 3 और 16 का हो गया 4, तो ये बेटा वैल्यू आ गई 3/4। बहुत आसान है, यानी कि हमारा ए वाला विकल्प सही है। हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को अच्छे से आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा यहां पर लिखा है यदि ए बराबर 9, बी बराबर 8, सी बराबर एक्स, समीकरण 3 cos c बराबर 2 को संतुष्ट कर रहे हैं। यदि a b c के मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं तो कहा गया x का क्या मान होगा। विकल्प है पहला 5, दूसरा विकल्प 6, तीसरा है 7 और चौथा है 4। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, क्योंकि हमसे कहा गया है ये a b c के मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो चलिए यहीं पर चलते हैं सीधे। 3 cos c, cos c का बेटा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab और इज इक्वल टू में लिखा हुआ है 2। ए बी सी की वैल्यू बेटा हम यहां पर डाल देंगे। आइए क्या करते हैं 3/2 ए बी, ए के प्लेस पर लिखा है 9 और बी के प्लेस पर लिखा है 8, चलिए ब्रैकेट में चलते हैं। ए स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर हुआ 81, बी 8 का स्क्वायर हुआ 64 माइनस सी की जगह पर एक्स स्क्वायर है प्यारे बच्चों यहां पर लिखा है 2। अगर आप इसको इससे कैंसिल करते हैं तो 3 आता है, इसका प्रोडक्ट आप यहां पर करेंगे तो बेटा ये हमको मिल रहा है 4, 1, 5, 8, 6, 14 यानी कि 145 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर। यहां पर बेटा हमको क्या करना है, इसका गुणा यहां पर करना है तो 3 × 6, 6 का गुणा 8 में, 8 × 6 = 48, 48 में बेटा ये 2 का गुणा होगा, 48 का गुणा 2 में होगा तो ये 96 होगा। एक्स स्क्वायर आपको उधर भेज देना है, अब 145 के पास ये इधर आएगा तो ये माइनस का होगा। प्यारे बच्चों 15 एक हासिल लेंगे तो 15 में से 6 जाएगा, ये आएगा 9, जब आपने एक हासिल लिया तो ये हो गया 3 यानी कि 13, 13 में 9 जाएंगे ये आ जाएगा 4। तो बच्चों हमने स्क्वायर हटाया, यहां पर रूट लगा दिया तो एक्स की वैल्यू हो गई है 7 यानी कि 49 का वर्गमूल तो हमें 7 ही मिलता है। तो आपसे कह रहे थे एक्स का क्या मान होगा, एक्स का मान आ रहा है 7, ये हमारा सी वाला विकल्प सही है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।